माय नेम शांतनु दुबे। जो आप लोग देख रहे हैं हैप्पी डियर क्लॉक तो यहाँ पे आया, तो आप सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत है। तो आज आप लोग सोच रहे हो फिर से समान दीदी पर रोस्ट लिया, नहीं हर बार रोस्ट नहीं लाया जा सकता है। वैसे भी जो मैं रोस्ट वीडियो बनाता हूँ सिर्फ उस इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाता हूँ, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाता हूँ। अगर बाई चांस ये कोई बड़ा क्रिएटर देख रहा है या शिवानी दीदी खुद भी देख रही हैं, तो मेरा उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं, मैं खाली वीडियो को इंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूँ। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को चालू करते हैं। भैया आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि जो पीछे आपने बैकग्राउंड देखा होगा टीवी, तो वही घर मुझे लग रहा है अपने अंदाज से, जहाँ पर मैं जाने की कोशिश कर रहा था और मुझे रोक दिया गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई वो पिंक कलर का घर जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं डांस करते हुए दीदी जो दिखा रही है बैकग्राउंड में, ये वही घर है जहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे जाने नहीं दिया गया था, उन गार्डों ने मुझे रोक लिया गया। हाँ भाई वो भी सही है, क्योंकि भाई वो भी अपने गांव से यहाँ पे कानपुर में आई हैं किसी सिक्योरिटी के पर्पज से ही आई हैं, तो मैंने उस पर ज़्यादा फिर रिएक्शन नहीं किया। और जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है वायरल होने दो, हम क्या करें, वायरल वीडियो है तो आपकी हो सकती है तो भाई मेरी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से जो टिकटॉक्स हैं तो मैं इनको इकट्ठा किया है और इन पर आज हम लोग रिएक्शन लेने वाले हैं, देखेंगे रोशन करने वाले रिएक्शन लेंगे खाली, फिर देखेंगे कि भाई क्या ये क्या वीडियो है। और आज से टिकटॉक की भी शिवानी दीदी की रील्स की भी वीडियो आएगी इसी तरह से, इस पर हम लोग लेंगे रिएक्शन। तो शायद क्योंकि ये यूट्यूब पे डेली तो ये देती नहीं है अपना प्रचार किस चीज़ का व्लॉग का, तो भाई कुछ डेली हमको डालते हैं, हम डेली अपडेटर हैं, तो ये इंस्टाग्राम पे डेली ऑनलाइन रहती हैं, डेली वीडियो डालती हैं, तो अब इंस्टाग्राम से इनकी वीडियो उठाई जाएगी, उस पर रिएक्शन लिया जाएगा, तो आपको भी देखना होगा रिएक्शन इनका। तो भाई हम लोग इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं अगली वीडियो का इनका रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी, भाई लोग जैसे कि शिवानी दीदी डांस काफ़ी अच्छा लेवल करने लगी हैं और मुझे काफ़ी खुशी मिली कि शिवानी जी काफ़ी अच्छा लेवल का डांस कर रही हैं। मानते हो छपरी यूट्यूबर हैं लेकिन फिर भी अच्छा डांस कर रही हैं, तो वो तारीफ उसी की जाती है जो ऊपर चढ़ रहा हो, जो नीचे उतर रहा होता है उसको तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो भैया दीदी ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी हैं और ये काफ़ी ऊपर हैं, तो इन पर ही लोग इंसान ध्यान देगा। और तो भैया डांस भी काफ़ी अच्छा करने लगी हैं, हमें भी काफ़ी खुशी मिली। और इनकी डायलॉग बाजी भी देख लेते हैं, डायलॉग बाजी कैसी इनकी है। इनकी डायलॉग बाजी भी और गाने बाजी, मतलब गाना, मतलब जो गाना पीछे बज रहा हो इनको ही लिपसिंग करनी हो, तो गाने बाजी भी इन्हें काफ़ी अच्छी लेवल की गई है। और वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि आईफोन से वीडियो भी शूट किया जा रहा है, आईफोन 12 प्रो है इनके पास जिसे शूट करती हैं। और मैं आपको बता दूं, आइए इनका थोड़ा उछलने वाला डांस देखते हैं, उछलने वाला डांस कैसा करती हैं। तो भाई काफी अच्छा प्रकार की उछलने लगी हैं, तो भाई उछलने लोग उछलते हुए लोग और ऊपर जाते हुए लोगों को कोई नहीं रोक सकता, उछल उछल के काफी आगे निकल गए, जिससे कि काफी हमको अच्छा लगता रहता है और हम आप लोगों को भी अच्छा लगता रहता है कि ये वीडियो कुछ इस प्रकार से बना रही है। और भाई आजकल की जो उनकी जो टिक भाई देखो ये खाली जो कंटेंट बनाती हैं यूट्यूब पे वो बेकार बनाती हैं, ट्विटर लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी बनाती हैं। मैं बुराई करता हूँ, मुँह पे करता हूँ ना, पीठ पीछे मैं नहीं करता हूँ, भाई टिकटॉक वीडियो खराब बनाती हैं ऐसा नहीं है, टिकटॉक वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स ही अच्छा बनाती हूँ, लेकिन यूट्यूब पर जो कंटेंट बनाती हैं ना मानिए शिवानी ये गलत बनाती हैं, इसको रोकना पड़ेगा। आप लोगों को कमेंट कीजिएगा उनके वीडियो में कि भाई इसको रोको, इंस्टाग्राम पे आप लाइव रहो, वो सही है। इनके एक दो वीडियो और देखते हैं, आए किसी के साथ देखें तो और मजा आएगा। तो भाई साहब मुझे इन भाई साहब का नाम तो नहीं पता ये कौन भाई साहब है, लेकिन इतना बता दूं कि ये हम लोगों के हिंदू धर्म से नहीं है, ये मुसलमान धर्म से हैं, तो मैं उसमें कुछ अलग टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये कहना चाहूँगा कि हाँ देखिए पहले कहाँ थे और कहाँ हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं कि भाई गांव में किसी लड़के के साथ बिना शादी के डांस करना या फिर कोई और एक्शन, वो भी दूसरा भाग है ना, कोई भाई हो ना कोई हो,
फिर भी दीदी काफी बदल गई, कानपुर के हिसाब से आ गई हैं, जो किसी के साथ डांस कर रही हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं किसी को, लेकिन कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जब मन में संतुलित है आपका मन, तो कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो, दोस्त अलग होता है, बॉयफ्रेंड अलग होता है, गर्लफ्रेंड अलग होता है, मतलब हर का अलग अलग लेवल होता है, लेकिन जो इंसान दोस्ती पर रहता है ना, अगर दोस्ती के मन से रह रहा है तो बहुत अच्छा रह रहा है, अगर वो और किसी मन से रहे ना तो बहुत गलत होता है, लेकिन इनका दोस्ती का मन है। मुझे काफी अच्छा लगता है कि टिकटॉक दीदी काफी अच्छा बनाती हैं, तो भाई नेक्स्ट लेवल का इनका डांस देखते हैं। सुन तो सही दिल की धड़कन के तेरे बिना कहीं दिल ना लगे तो आप लोगों ने ये कुछ अलग ही कमेंट्री देखी होगी, काफी अच्छा गाना गा भाई साहब, इस ये काफी अच्छा गाना गा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फेमस है भाई साहब। अगर आप लोगों को जानते हो, इनका नाम करण है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताना भी नहीं चाहूंगा कि भाई इनका नाम करण है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की जो मिक्स वीडियो मैंने ही बनाई है, और जो ये काफी अच्छा लेवल, भाई देखिए टिकटॉक जो दीदी है काफी अच्छा बनाती है, इंस्टाग्राम भी काफी अच्छा बनाती है, लेकिन यूट्यूब पे जो व्लॉगिंग करती है काफी मुझे पसंद नहीं आती है, और आप लोग देखते हैं अच्छे तरह से चीजों को दिखा भी नहीं पाती हैं और ना ही बता पाती हैं, और उनका कुछ अलग ही रिएक्शन आ जाता है, जैसे कि बिटिया को उनका हो गया तो मैंने कुछ अलग मिक्स करके एकदम डाल दिया, तो वो भी कुछ अलग प्रकार का आता रहता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये रहता है, तात्पर्य ये रहता है कि भाई जब व्लॉग बनाया जा रहा है तो घर के अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं, बुरी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, ताकि जो विपरीत पक्ष है उस पर गलत प्रभाव ना पड़े, जैसे कि आपने ये डाला है तो छोटे बच्चों पे या फिर माता पिता पे अलग प्रभाव पड़ सकता है, तो कृपया करके ऐसी वीडियो मत डालिए। और मैंने कुछ गलत नहीं उसमें कहा है, ना ही देखा, बस जो वीडियो की मैंने क्लिप निकाली है वही मैंने आपको दिखाया, उन्हीं से मैंने आपको बताया है, मैंने इसमें कुछ एक भी चीज गलत नहीं है, और फिर भी मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ आपको वीडियो हर से अच्छी अच्छी दे। और शिवानी दीदी का तो रोस्ट वीडियो रोज आने वाली है, रोस्ट नहीं तो रिएक्शन वीडियो तो आएगी आएगी इंस्टाग्राम की, क्योंकि इंस्टाग्राम पर डेली ये लाइव रहती है, और लाइव जो इंसान रहता है वो डेली ही काम करता है, जब डेली काम करता है तो भाई हम भी डेली काम करते हैं, सुबह 8 बजे मेट्रो वीडियो आती है, 1 बजे शिवानी दीदी की वीडियो आती ही आती है, चाहे वो जिस प्रकार से आए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता रहता है कि आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे, मैं चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छी लगी हो या रिएक्शन भी इनका अच्छा लगा, या रिएक्शन आपको ऐसा देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे रोस्टिंग इंप्रेसिंग या फिर रिएक्शन लेने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कानपुर की मेट्रो वीडियो देखनी वो भी कर लीजिएगा, ब्लॉग भी देखना तो भी कर लीजिएगा, हर प्रकार की इसमें कमेंट्री आती रहती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।